दोस्तों, अगर आप भी अपने फ़ोन पे का जो UPI पिन है वो भूल चुके हैं, अपना फ़ोन पे का UPI पिन आपको रीसेट करना है, यानी नया दोबारा आप फ़ोन पे का UPI पिन बनाना चाहते हैं, पुराना वाला आप भूल चुके हैं, तो बिना ATM कार्ड के आसानी से आप अपना जो फ़ोन पे का UPI पिन है उसे सेट कर सकते हैं। उसके लिए फ़ोन पे एप्लीकेशन आप ओपन कर लेंगे, तो इस तरीके से आपको भी फ़ोन पे का जो डैशबोर्ड है नज़र आएगा। लेफ्ट साइड कॉर्नर में देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल फोटो दिख रहा होगा, हो सकता है प्रोफाइल के आइकॉन मिले, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट मेथड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक उसके नीचे आपको पहले नंबर पर ही बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिख जाएगा। आप इस बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो फ़ोनपे के साथ जितना ही बैंक अकाउंट आपने लिंक किया होगा वो बैंक अकाउंट आपको यहाँ पर दिखाई दे देगा। जिस भी बैंक अकाउंट का आप अपना UPI पिन भूल चुके हैं, आप अपने उस बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करते हैं उस बैंक अकाउंट के ऊपर तो आपके सामने यहाँ पर UPI पिन का एक ऑप्शन दिखाई देगा और ठीक उसके सामने रीसेट और चेंज का ऑप्शन मिलेगा। अगर अपना UPI पिन आप चेंज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो चेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ओल्ड UPI पिन सबसे पहले एंटर करेंगे, उसके बाद नया वाला UPI पिन आप जो रखना चाहते हैं वो एंटर करेंगे, फिर से दोबारा नया वाला UPI पिन एंटर करेंगे, तो आपका UPI पिन सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा। लेकिन अपना UPI पिन अगर आप भूल चुके हैं तो रीसेट वाले ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन दिख जाएगा, आधार नंबर लिंक विथ बैंक और नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा डेबिट ATM कार्ड के थ्रू, यानी दो ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आप अपना डेबिट कार्ड आपके पास मौजूद है, आप डेबिट कार्ड के जरिए अपना ATM पिन रिसेट करना चाहते हैं, यानी UPI पिन रिसेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर डेबिट कार्ड वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे UPI पिन को सेट करने के लिए। लेकिन मैं अभी आपको बिना ATM कार्ड के बताने वाला हूँ। तो सबसे ऊपर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आधार नंबर लिंक विथ बैंक, आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड के ऑप्शन पे नीचे क्लिक कर देंगे। बस कुछ सेकंड आपको वेट करना है। कुछ सेकंड वेट करने के बाद अगला इंटरफेस इस तरीके से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जहां पर आपको वेरीफाई आधार नंबर इस तरीके से एक मैसेज डिस्प्ले होगा और नीचे पे यहां पर आपको आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा उसका स्टार्टिंग क्या, यानी शुरू का 6 अंक आपको यहाँ पर डाल लेना है, जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर होगा। अब यहाँ पर जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर स्टार्टिंग का 6 अंक आपको डाल लेना है। जैसे आप स्टार्टिंग के 6 अंक डालेंगे तो नीचे यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। प्रोसीड का ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपके नंबर पर आधार की तरफ से एक OTP आएगा, उसके बाद एक बैंक की तरफ से OTP सेंड किया जाएगा। तो सबसे पहले आप आधार वाला OTP यहाँ पर एंटर करेंगे, हो सकता है ऑटोमेटिक आपका OTP ले ले, अगर नहीं लेता है ऑटोमेटिक तो आपको मैनुअली यहाँ पर एंटर करना होगा, मैसेज के थ्रू आपको OTP मिल जाएगा। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर जो ब्लू टिक दिखाई दे रहा आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद बैंक की तरफ से जो OTP आएगा उस OTP को आप यहां पर एंटर कर लेंगे और फिर से यहां पर आप राइट टिक के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप राइट टिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अब आपको नया UPI पिन सेट करने का ऑप्शन जो है वो दे दिया गया है। अब एक चीज़ आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो भी आप अगर आपने आधार नंबर लिंक विथ बैंक वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, ये ऑप्शन तभी आपका वर्क करेगा जब आपका आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है सेम नंबर आपके बैंक अकाउंट में भी लिंक है, तब उस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको ATM डेबिट कार्ड के थ्रू ही अपना UPI पिन सेट करना होगा। तो आप जो भी UPI पिन आप रखना चाहते हैं उस UPI पिन को आप यहां पर एंटर कर लेंगे, उसके बाद यहां पर राइट टिक के ऊपर फिर से क्लिक कर लेंगे। एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए बोलेगा कि जो भी आपने UPI पिन एंटर किया था सेम UPI पिन दोबारा आप एंटर कर लेंगे, उसके बाद यहां पर राइट टिक के ऊपर फिर से आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका UPI पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस था। इस तरीके से बिना ATM कार्ड के अपना UPI पिन अगर आप फ़ोनपे का भूल जाते हैं तो इस तरीके से आप अपना UPI पिन नया सेट कर सकते हैं।